हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग दाशी एंड साची क्रिएशंस। पिछले वीडियो में हमने हमारी अर्थ को देखा था और आज जो हमारा प्लेनेट है वो बहुत ही खास है। ये है मार्स यानी मंगल, द रेड प्लेनेट। साइज में मार्स हमारी अर्थ से छोटा है, इतना छोटा कि लगभग 6.5 मार्स मिला दो तब जाकर एक पृथ्वी बनेगी। मार्स इज अप्रोक्स 230 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द सन, यानी 23 करोड़ किलोमीटर दूर। जैसे हमारी अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने में एक साल यानी 365 डेज लगते हैं, वैसे ही मार्स को हमारे यहाँ के 687 डेज जितना टाइम लगता है। इट टेक अप्रोक्स 24.6 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब मार्स का एक दिन लगभग अर्थ के एक दिन के बराबर का होता है। एज वी नो, अर्थ हैज वन मून बट मार्स हैज टू मून। जी हाँ, मार्स के दो चांद है, फोबोस एंड डीमोस। वैसे तो वीनस अर्थ के सबसे पास में है बट इट इज टू हॉट, वहाँ रहना संभव नहीं। इसलिए साइंटिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि मार्स पे लाइफ को कैसे सस्टेनेबल बनाए। अब सवाल ये है कि हमें वहाँ जाना ही क्यों है। इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। वैसे तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी अर्थ तो अभी 450 करोड़ साल पुरानी है और आगे भी 500 करोड़ साल और रहेगी, पर इंसानों के पास सिर्फ 100 करोड़ साल और है, क्योंकि इसके बाद अर्थ पर ना तो ऑक्सीजन रहेगी और ना ही पानी। लेकिन 100 करोड़ साल तो बहुत होते हैं, पर ये अनुमान तब सही होगा जब अर्थ ऐसे ही चलती रहेगी। पर हम इंसानों ने जो तबाही मचा रखी है पिछले कुछ 500 सालों से, उसे देख के तो लगता है पृथ्वी 100 करोड़ क्या 100 साल भी जी ले तो ही बहुत है। इसलिए हमें दूसरे प्लैनेट की जरूरत है, क्योंकि जब पृथ्वी खत्म होगी तब वो प्लैनेट ही हमारा दूसरा घर बनेगा। अब तक साइंटिस्ट ने मार्स पर बहुत सारे मिशन किए हैं जिसमें इंडिया का मंगलयान भी शामिल है, और अब तो 2030 तक इंसानों को भी मार्स पर पहुंचाने का मिशन है। आपको क्या लगता है, क्या कोई मार्स पर पहुंचेगा और क्या मंगल हमारा दूसरा घर बनेगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल अबाउट मार्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।